संजय सिंह के बाद अब राज्यसभा से अब सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। इस पर अब सांसद संजय सिंह ने कहा कि बेवजह सस्पेंड कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको मणिपुर पर बोलना था, वहां हो रहा हत्या, दरिंदगी और महिलाओं के साथ हो रही बदसुलूकी पर बोलना था। उस पर क्या इस सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए था, बजाय इसके वो संजय सिंह पर कार्रवाई कर रहे थे। हम डरने वाले नहीं है, जो भी उनके खिलाफ बोलेंगे उनकी सदस्यता खत्म करेंगे। चाहे राहुल गांधी बोले या राघव चड्ढा या संजय सिंह, सभी की सदस्यता खत्म कर देंगे। संजय सिंह के बाद अब राज्यसभा से अब सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया। इस पर अब सांसद संजय सिंह ने कहा कि बेवजह सस्पेंड कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको मणिपुर पर बोलना था, वहां हो रहा हत्या, दरिंदगी और महिलाओं के साथ हो रही बदसुलूकी पर बोलना था। उस पर क्या इस सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए था, बजाय इसके वो संजय सिंह पर कार्रवाई कर रहे थे। हम डरने वाले नहीं है, जो भी उनके खिलाफ बोलेंगे उनकी सदस्यता खत्म करेंगे। चाहे राहुल गांधी बोले या राघव चड्ढा या संजय सिंह, सभी की सदस्यता खत्म कर देंगे।